पर्व जनपद चमोली से है, जहां हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वहीं इस विषय को लेकर हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के प्रबंधक सेवा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारे रवाना होंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से हेमकुंड साहिब के मार्ग पर यात्रियों को मई के महीने में भी बर्फ से होकर गुजरना होता है। ऐसे में यात्रियों को मार्ग में कोई असुविधा ना हो, इसलिए प्रशासन द्वारा शुरुआती दिनों में प्रतिदिन केवल 3500 यात्रियों को दर्शन कराने की अनुमति दी गई है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल यानी 22 मई 2024 नूं श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। मानयोग गवर्नर साहब रिटायर्ड लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ऋषिकेश तो पंज प्यारां दी अगवाई विच संगतां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना करनगे। बोले सो निहालिया निहाल दे जयकारियां दे विच संगतां उत्साहपूर्वक श्री हेमकुंड साहब दी यात्रा दा शुभ आरंभ करनगियां। कल जथा ऋषिकेश से रवाना होगा और रात्रि विश्राम श्रीनगर गुरुद्वारे में करेगा। 23 तारीख को सभी यात्री पांच प्यारों की अगुवाई में गोविंदगढ़ पहुंच जाएंगे और 24 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे के करीब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ के अखंड पाठ के भोग पाए जाएंगे। उपरांत पांच प्यारों की अगुवाई में जथा फिर घाघरिया के लिए गोविंद धाम के लिए रवाना हो जाएगा और 25 तारीख सुबह 6:30 बजे सभी यात्री फिर पांच प्यारों की अगुवाई में साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्वले जन्म के तप